जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी दिखाई देता है। ओह हो गाइस, ऐसी बारिश हमारी जिंदगी में हम पहली बार देख रहे हैं। रोड के ऊपर पूरा मलबा आ गया है, गाड़ी आगे नहीं जा पाती। आमलगुंडी में जो पहले नदी के ऊपर बना पुल टूट गया था, वहां पर हम आ पहुंचे हैं। गाइस ये देखिए, यहाँ गाइस इंजन में पानी जा चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई। तो गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नई जर्नी, एक और नई डेस्टिनेशन के आज के फ्रेश व्लॉग में मैं राजू गामित मेरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सोनगढ़ के दक्षिण एरिया में बहुत ही खतरनाक मूसलाधार बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरे एरिया में सारी जितनी भी नदियाँ हैं वो सारी नदियाँ उफान पर है। तो गाइस इस वक्त आप देख सकते हैं गाइस, सुबह सुबह में बहुत खतरनाक बारिश हुई है। एक दो घंटे में इतनी खतरनाक बारिश हुई कि पूरे एरिया में पानी ही पानी हो चुका है, सारी नदियां उफान पर है। तो गाइस पूरा नज़र आप सभी तक हम लाएंगे। हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे, हमारा आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खतरनाक बारिश हुई है, पूरे एरिया में पानी ही पानी भर चुका है। जहाँ देखो वहाँ रोड के ऊपर पूरा पानी जाता हुआ आप देख सकते हैं। तो गाइस बहुत खतरनाक कड़ाके के साथ बिजली हो रही है, तो हमें संभल कर हमारा मोबाइल बंद करना होगा और संभल कर हमें घर पहुंचना होगा। गाइस बहुत खतरनाक बारिश हुई है। गाइस ये देखिए, यहाँ पर भी पानी इस प्रकार रोड के ऊपर आ गया है, जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी दिखाई देता है। ओह हो गाइस, ऐसी बारिश हमारी जिंदगी में हम पहली बार देख रहे हैं। गाइस आपके यहाँ पर कितनी बारिश हुई है ये आप जरूर कमेंट करके हमें बताइए। इस वक्त हम डांग के बड्डीपाड़ा में हैं और बड्डीपाड़ा में जो डांग का प्रवेश द्वार है उसका ये इस प्रकार का नजारा बना हुआ है। बहुत ही खतरनाक बारिश हुई है। तो गाइज ये बड्डीपाड़ा का ये चेक पोस्ट है, डांग में जितने भी व्हीकल यहाँ से एंटर होते हैं उसको यहाँ पर एंट्री की जाती है। तो गाइज इस प्रकार का ये पूरा नजारा है। गाइज आगे गिरा नदी पर जो भी ब्रिज बना हुआ है, तो ब्रिज के ऊपर से नदी में कितना सारा पानी आया है उसका भी पूरा नजारा आप तक हम लाएंगे। तो गाइज हमारे इस वीडियो के साथ बने रहे। गाइज ये आप देख सकते हैं, रोड पर ऊपर जहाँ देखो वहाँ पानी ही पानी भर चुका है, रोड दिखाई भी नहीं देता। ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपने देखी कि नहीं ऐसी बारिश? पहली बार ना। तो गाइस ऐसी बारिश तो हमने पहले कभी नहीं देखी। शायद बादल फटा होगा। हाँ बादल फटा है ना। तो गाइस बादल फटा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत खतरनाक ये बारिश आप देख सकते हैं। आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। गाइस गाड़ी का मैंने वाइपर चालू किया है, फिर भी आगे गाड़ी के कांच में से आगे का रास्ता जो धुंधला दिखाई देता है। तो गाइस ये आप देख सकते हैं गीरा रिवर, जो कि तापी जिले और डांग जिले को जोड़ने वाला ये ब्रिज है, और यही रिवर पर गीरा दोद भी बना हुआ है। तो गाइस यहाँ से आपको नजारा दिखाता हूँ कितना सारा पानी आया है। तो गाइज ये आप आगे देख सकते हैं, बहुत खतरनाक बाढ़ आई है। गाइज यहाँ पर भी देखिए, गाइज बहुत खतरनाक पानी आया है, बहुत खतरनाक। ऐसा बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। आगे भी ये आप देख सकते हैं। तो गाइज बहुत बाढ़ आई हुई है, आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो गाइज स्कूल पर हम गाड़ी में से उतरे तो पूरे हम भीग चुके हैं अभी। गाइस यहाँ से ऊपर रोड के ऊपर से पहले जब गए थे ऊपर से नहीं जा रहा था, अभी पानी रोड के ऊपर से जाने लगा। ये देखिए बहुत खतरनाक बारिश हुई है। गाइस बादल फटा है हमारे ये पूरे एरिया में, जिसकी वजह से ये पूरा ये बाढ़ का माहौल बना हुआ है। आगे का नज़ारा आप सभी को मैं दिखाऊंगा कि आगे कैसा है। ये गाइस देखिए, आगे बिल्कुल भी व्यू नहीं आ रहा है।
देखिए, ओहो पानी पूरा भर चुका है गाइज। ये पहाड़ों में जो बारिश हुई है जिसकी वजह से ये रोड के ऊपर से पूरा, ये देखिए गाड़ी भी आगे नहीं जा पाती। ओहो हो गाइज, रोड के ऊपर पूरा मलबा आ गया है, गाड़ी आगे नहीं जा पाती। बिपिन भाई ने गाड़ी तो आगे नहीं निकलेगी। हाँ ओय होय होय, जैसे तैसे करके गाड़ी निकाली है गाइस। जब यहाँ से पहले गुजरे तब इतना सारा पानी नहीं आया था, सुबह में अभी ही आया है ये सब पानी 9 बजे। कैसे देखिए, बच्चे बहुत संभल कर निकल रहे हैं, सारा पानी भर चुका है, गाड़ी भी बंद हो चुकी है, तो रेस करके निकालना पड़ेगा गाइस। यहाँ पर हमारी गाड़ी को रेस करके निकालना पड़ेगा गाइस, पूरा पानी भर चुका है। पहले बच्चों को निकल जाने देते हैं, उसके बाद रेस करके निकालेंगे ताकि ये बच्चे नहीं भीग सके। तो गाइस अभी निकलता हूँ, फुल रेस करके गाइस गाड़ी निकाली है मैंने। गाइस पहले एक बार आपको बात बताना चाहूँगा, 11 में पूरा पानी इस तरह रोड के ऊपर से जा रहा था और मैंने गाड़ी उस पानी में उतार दी और बीच पानी में जाके मेरी गाड़ी बंद हो गई। तो गाइस तब से गाड़ी में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, तो ऐसी जगह पर थोड़ा आप गाड़ी को रेस करके निकाले ताकि कोई प्रॉब्लम ना आ सके। वो टेमका में है ना, टेमका में भी पूरा पानी जा रहा होगा उस जंगल में, पर भी आप नदी कितनी उफान पर है ये आप देख सकते हैं। हाय हाय, बहुत खतरनाक वाली बारिश है। ओए पूरा पानी भर चुका है, खेतों में घुस गया है। देखो आमोलगुंडी में जो पहले नदी के ऊपर बना पुल टूट गया था, वहां पर हम आ पहुंचे हैं गाइस। ये देखिए यहां पर भी बहुत उफान पर है ये रिवर। ओहो आगे से देखो कितना पानी आया है गाइज। ये पुल पहले पूरा टूट चुका था गाइज, बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, आगे दिखाएंगे। पूरा अंधेरा हो चुका है, देखिए यहाँ पर भी पूरा पानी रास्ते के ऊपर आ गया है। यहाँ से अभी मुझे रेस करा के निकालना पड़ेगा। गाइस इंजन में पानी जा चुका है जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई, यानी कि बाहर से गाड़ी तो बाहर निकल आई लेकिन बाहर आके बंद हो गई। तो अभी थोड़ा मैं रेस करता हूँ, पूरा धुआं ही धुआं निकाल रही है। तो जैसे तैसे करके धीरे से मैं अभी गाड़ी को थोड़ा गर्म करता हूँ, जो भी पानी गया है वो शायद बाहर निकलेगा, तब जाके मैं धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस बहुत प्रॉब्लम हुआ, अभी गाड़ी चालू हो गई है ये गाइस देखिए, लेकिन इंजन से पूरा धुआं ही धुआं निकल आया है। तो गाइस जैसे तैसे करके गाड़ी चालू की है, अभी हम हमारे घर की ओर आगे जा रहे हैं। तो गाइस मेरे वीडियो को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ। मेरी चैनल पे आप नए हैं और मेरी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जरूर सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।